मालिक साहब, अगर याद होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो यू रिमेम्बर सम पीपल बाय, आप वो अरशद की क्या चीज़ है जो आप आई थिंक ही हैड अ शीपिश स्माइल, स्माइल बड़ी उसकी क्यूट होती थी। और एक उसका मैं मजाक आमिर को पता है, आमिर हम में से टेक्निकली सिंगल आदमी है, तो इसका घर जो सा है वो हमारा सबका डेरा है, सारे वहाँ इकट्ठे होते हैं, तो हर फंक्शन इसके घर में होता था। तो अगर आपके पास पिक्चर हो तो बेशक आप चला लें, वहीद मुराद की पिक्चर्स निकालें। मैं इसको कहता तू जर्नलिज्म का वहीद मुराद है, चॉकलेटी तेरा रंग है, बाल भी इसके बड़े पफ्ड होते थे, बड़ा इसको इज ए गुड लुकिंग चैप। तो चॉकलेट एंकर आप कहते थे हाँ, इसको उसको। हम वहीद मुराद जो कहते दिस थे। वेरी फेमस आई थिंक वो मेकअप आर्टिस्ट हैं या डिज़ाइनर हैं, उन्हें यही बात, यू नो हु इज दैट अरशद ज्ञान है, पैनमा तो आग लगाई भी है, दैट चॉकलेट का है वो कम्स ऑन हाँ, टीवी एट तो हम 10 o'clock कहते तो इन द चॉकलेट आफ्टरनून। ही हीरो है सब कुछ। और इसका तवा लगता था जब ये और शाह जी बैठे होते थे, जो मैंने आमिर बता रहा था ना, तो शाह साहब को भी, उमा शाह को भी थोड़ा इंटेलेक्चुअल बातों का शौक है, फिर ये बैठ के ना, तो हम और इनको शाह जी को कहते, इनकलाबी भी पसंद है क्या? इंकलाबी भी और कॉन्स्परसीज इनको बड़ी पसंद होती थी। तो हमें शाह जी कहना, शाह जी कि क्यों बच्चा खराब कर रहे हो? और नहीं, गल हो रही है, गल हो रही है। और यार एक रो घंटा, सहेलियों की गुफ्तगू डेढ़ होती डेढ़ थी, घंटा एक खुश खुश लोग, कोने में बैठ के सरगोशियों में और हम बात इनका होती थी। मजाक उड़ाते रहते थे। बट अगेन एक चीज मैंने देखी, अरशद अरशद वॉज द मोस्ट विजिबल फ्रेंड हु कुड बी इनविजिबल एट एनी मोमेंट। बैठा हुआ है, सडनली आप भूल जाएंगे अगर अरशद बैठा हुआ है, बिकॉज 20 मिनट हो जाएंगे, 25 मिनट हो जाएंगे, उसकी आवाज़ नहीं आएगी, फिर ये एक जुमला देगा, दो बात करेगा, बहस फिर जाएगी, सारे उस बहस पे लग जाएंगे, फिर ये चुप हो जाएगा। सो वो ही वॉज वन हेल ऑफ अ चैप। मतलब कि आप कभी तलखी हुई आपकी अरशद के साथ? जिंदगी में कभी नहीं नहीं, यार, मेरा नहीं ख्याल जिंदगी है। में कभी नहीं। बदामी वॉज यू ऑड वन। मैं सोच रहा था कि मैंने उसके अलावा राणे के साथ शायद बातचीत बल्कि मेरा ख्याल है वरना जितना हमने इसको, कभी नहीं बहुत लोगों से जिते बहुत तलखी, मगर जहां उसकी यारी दोस्ती थी थी ना ना, वहां पे, दोस्ती वहां पर कभी वो मैंने सुना। इस्लामाबाद, तो आपको पता है एक शफाक शहर है वो, जो कहते हैं कि इफ यू डोंट, इफ यू वांट अ फ्रेंड इन इस्लामाबाद गेट अ डॉग। तो यहाँ पे मगर दोस्तियों की कमी है, और कितने लोग हैं आप हमसे पूछेंगे जिनको आप करीबी दोस्त समझते हैं। उसकी मेरी पर्सनल तो लाइफ में कुछ चीजें कॉमन भी हैं, ठीक है ना, उस पर भी बड़ी बातें होती थी। और हंस हंस के, हंस हंस के ना हमारा हशर हो जाता था। वी यूज टू ट्रेड नोट्स, वी यूज टू डाई लाफिंग ऑन दैट। सो यू नो, मुझे मुझे चेहरा भी उसका लिटरली हंसता हुआ याद आता है मुझे, इसलिए लाइक आपने सेड, मैंने गलती से पिक्चर देख ली, गलती से, मेरी सबसे बड़ी गलती है। और मेरा ख्याल है, लेकिन अ पार्ट ऑफ मी काशिफ शायद पिक्चर देखना भी चाहता था, यकीन नहीं आता था। ऑनेस्ट टू गॉड मुझे लगता था अभी भी रिपोर्ट गलत होगी, अभी भी रिपोर्ट गलत होगी, एंड प्रॉबली अ पार्ट ऑफ मी वॉन्टेड टू कन्फर्म इट कि यार ये सही है नहीं है, वॉट एवर। सो हमें तो याद है हंसता खेलता। मुझे जो सबसे बड़ा दुख है ना, और सबसे फ्रस्ट्रेशन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्यों, किसको कितना फायदा, नुकसान तो हमें पता है ना, एज अ दोस्त क्या नुकसान हुआ है, प्रोफेशन का क्या हुआ, प्रोफेशन के नुकसान को क्या फर्क पड़ता है, आज आप हैं नहीं है, कल को 10 और एंकर्स होंगे, फैमिली को जो नुकसान हुआ, वी आर एवरीबॉडी इज रिप्लेसेबल, रिप्लेसेबल। फैमिली को जो नुकसान हुआ, मुझे समझ नहीं आती कि जिन्होंने भी ये किया है, बंदा है कोई है जो भी है, क्या मिल जाएगा आपको ये। क्या इसका? आमिर भाई, इन्होंने जो तस्वीर की बात की ना, मैं ब्रेक में आपको बताया था कि मुझे, मैंने कहा कि मैंने ये भी कहा कोई फोन करो उसको, इवन हम उसके घर के बारे में, मैंने कहा उसको कॉल करो, इट जस्ट कॉल हिम। और मैंने जब किसी ने जब मुझे बताया गया कि ये हो गया, मैं कहा यार हैव यू सीन, तुम्हें किस तरह पता? वो नैरोबी, नैरोबी मारा बंदा कोई। तो कॉल के दौरान का मैंने आपको तस्वीर भेज दिया, तस्वीरें तस्वीर देख लें। मैं उसको मैं कहा फॉरन आई, दिस इज नॉट द लास्ट इमेज, ये आखिरी इमेज नहीं हो सकता जो मैं शक्त। मैंने उसको कहा मैं डिलीट करो उसको, मैंने नहीं देखनी आपको। मैं अरशद लेकिन आपके साथ भी तो बड़ी दोस्ती आ रहा अरशद। मैं इस तरह कह रहा था कि वो हम सब के सोशलाइजिंग बड़ी होती है, मिलने जुलने वाले बड़े ज़्यादा होते हैं, मगर दोस्त तो बड़े थोड़े होते हैं। एंड ही वॉज वन पर्सन जिसके मतलब फ़ौरन कोई कोई के जनाब आपका वो दोस्त से ज़्यादा, मेरा तो छोटा भाई था, मेरे हम सब के आप ऊपर उसको बड़े खाने बड़े पर थे, टेस्ट करवाता जो था, है ना, अरशद मैं ये खा, इसमें अरशद ये बोला डाला, ना ये जब कि डाला, ये ये डाला। इस तरीके से कहता, मैं स्पून फीडिंग कर, मैं छेड़ता था। पर मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में बहुत ही कम लोग हैं, क्योंकि मुझे मौका मिला, आप सबको भी मिला, तो मैंने उसके साथ क्यों काम कट्ठे शुरू किया हुआ है, जब वो यंग रिपोर्टर के तौर पर आया तो मुझे, मैं उसके साथ था,
तो उसकी ग्रोथ देखी है बढ़ते 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 बढ़ते, और माशाल्लाह जिस तरह उसने तरक्की की कि उसका एक तो कमिटमेंट, उसकी पीएचडी आप सबको पता ही है कि पीएचडी लंदन में हो गई थी और उसकी सिर्फ लास्ट डिसर्टेशन रह गई थी मतलब फॉर द लव ऑफ जर्नलिज्म, और मैं उससे हमेशा नाराज रहता था कि तुमने पीएचडी कर लेनी थी, तो यहाँ एकदम से हीटअप हो गई, पॉलिटिक्स छोड़ के आ गया, पीएचडी छोड़ दी, तो मैं उसको छेड़ता था यार पीएचडी, हम भी कहते कि हमारा कोई जर्नलिस्ट भी पीएचडी है, तो वो कहता था आमिर भाई अगर मुझे डर था कि मैं पीएचडी करता तो शायद मैं एकेडमिक्स में ना चला जाता, पढ़ाने चला जाता, मैंने नहीं की। दूसरा बड़े काम है जिनके मतलब कहा जाए जा सकता हो कि इस लेवल की उसमें जो तीन चार बड़ी खूबियाँ होती हैं, एक इंटेग्रिटी, एक कॉम्पिटेंस, एक आर्टिकुलेशन और एक दिलेरी, ये चार खूबियां जो हैं जो कि एक जर्नलिस्ट की होनी चाहिए, ये उंगलियों पे गिन सकते हैं पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ के कि कितने लोग हैं जिनके अंदर ये चारों खूबियां हों, और उसके अंदर उसके मतलब किसी उसके दुश्मन से ही पूछ लें वो ये कहेगा कि ये चारों चीज़ें उसमें थी। पर एक चीज़ खाने बड़े खाते थे, एक चीज़ और है, हम तो रोज बारबेक्यू मतलब हफ्ते में दो तीन दिन तो यहाँ पर खाना दफ्तर में उसने मंगाया होता था, को छः बंदे आठ बंदे दस बंदे बैठे हुए लोगों के लिए खाने, एक शाही दस्तरखान होता था यहाँ पे।